नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। एक आसन आज बताने जा रहा हूं जो मैं स्वयं अपनी साधना और शरीर की जरूरतों के हिसाब से अनिवार्य रूप में करता हूं। यानी एक आसन जिसे शरीर के विभिन्न आंतरिक अंगों को, बाहरी मसल्स को, हड्डियों को बहुत ज्यादा ही प्राण, ऊर्जा और शक्ति मिले, रिलैक्सेशन मिले। और इस आसन को मैं यहां पर दीवार के सहारे करने जा रहा हूं ताकि आपको करने में सुविधा हो, आप आसन में ज्यादा सहजता से देर तक टिक सके। इस आसन की तमाम बारीकियों को शुरू से अंत तक वीडियो देख के समझेंगे तभी इसको प्रयास में, अभ्यास में लाएंगे। देखेंगे कि कौन से इस आसन को करने के लिए बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो पहला है अंजनी आसन। लेकिन आसन को करने से पहले मैं बता दूं कि इसके कितने सारे फायदे हैं। पेट आंत की समस्या है, यानी इंडाइजेशन है, कोलाइटिस है, एबीएस है, इसमें तुरंत राहत, या करेंगे तो इस तरह की समस्या होगी नहीं। गैस एसिडिटी में राहत देता है, किसी भी तरह की इन्फ्लामेशन पेट में हो उसको दूर करेगा। लीवर के लिए अच्छा है, सबसे बेहतर किडनी के लिए है, और यूरिनरी ट्रैक जो है उसके लिए बेस्ट है। आपके स्पाइन में छोटी मोटी समस्या है तो तुरंत राहत देगी, लेकिन ख्याल रहे कि जय किसी भी साधक को स्पाइन की मेजर समस्या हो तो इस आसन को डायरेक्ट ना करें, उससे पहले स्पाइन की समस्याओं को अन्य वीडियोस के जरिए फिक्स करें। फिर ये एक ट्विस्टिंग आसन है तो डिटॉक्स प्रोसेस, यानी बॉडी की जो विजातीय पदार्थ है, यानी कचरा हमारे शरीर में नित्य जो इकट्ठा होता है, उसकी सफाई करता है और नए सेल को तरोताजा करता है। यानी इस अभ्यास से आप हमेशा रूपांतरित अपने आप को पाते हैं, यानी रिन्यू, रिफ्रेश पाते हैं कि हर दिन आप ज्यादा युवापना फील कर पाते हैं। क्योंकि कहा गया है कि स्पाइन युवा, यानी स्पाइन यंग तो आप यंग। तो समझेंगे इस आसन का बेस है अंजनी आसन। उसके लिए आप जानते हैं कि जैसे राइट, मैं शायद इसको हटा दूं ताकि आप पूरी आसन की स्थिति को अच्छे से समझ सके। तो ये जो स्थिति है अंजनी आसन है, इसका पहला बेस। अंजनी आसन में अगर स्थिति सही नहीं होगी तो जो मैं आसन बताने जा रहा हूं आप कभी सही नहीं कर पाएंगे। और वो है कि हील को हिप के लाइन पे रखना है, आपका 90 डिग्री हो। ये सूर्य नमस्कार की स्थिति है, आप इसमें पांव की उंगलियों को अंदर रखेंगे, ये स्थिति है। अंजनी आसन में अगर आप ऐसे रखेंगे तो इस आसन को कदापि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहली बेस यानी आधार ही गलत है तो जो महल खड़ा किया जाएगा वो कैसे सही होगा। इसलिए सूर्य नमस्कार में भी आप इसको सही रखें। एक, अगर कोई व्यक्ति बहुत कम डिस्टेंस रखता है जैसे ये, तो आपको थाई पे स्ट्रेच नहीं होगा, जो अंजनी आसन की खासियत है। और दूसरा क्या होगा कि जो आसन आगे हम बताने जा रहे हैं उसको आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो पहली स्थिति यही है कि हम एक पर्याप्त मात्रा में, आपको दूसरे साइड से मैं करके दिखा रहा हूं कि पर्याप्त मात्रा में डिस्टेंस लिए, पांव की उंगलियां अंदर रखिए, 90 डिग्री बनाए रखिए, ये पहली स्थिति। दूसरी स्थिति में अब आसन में आता हूं, आधार आ गया। इस आसन का नाम है परिवृत्त पार्श्व कोणासन, काफी इफेक्टिव है। आप करेंगे सुबह का आलस्य भी समाप्त होगा। कब करना है, कैसे करना है वो भी बताऊंगा। अपने लेफ्ट थाई को पकड़िए और राइट हैंड को ऊपर उठाएं, घुटने में प्रेशर आ रहा हो तो नीचे कपड़ा का सपोर्ट दें। श्वास छोड़ते हुए आप अपने एल्बो को पूरी तरह से, एल्बो को या कंधे को पूरी तरह से अपोजिट लेग की तरफ ले जाके ट्विस्ट करें। श्वास छोड़ते हुए आपके ट्विस्टिंग पहला नाभि से, फिर छाती से, फिर कंधा, और फिर नमस्कार पोजीशन रखें। नमस्कार पोजीशन में आपको ख्याल क्या रखना है कि फिंगर जो हो दसु खुली हुई हो और सिर के तरफ इसका पॉइंटेड हो, एल्बो जो है सीलिंग के तरफ यानी आकाश के तरफ हो, हाथ ज्यादा दूर ना हो, छाती के पास हो। अब यहां पर जो पांव की उंगली अंदर है उसकी मदद लेते हुए श्वास ले, घुटने को ऊपर उठा दे। दीवाल है तो आपको संतुलन देगा, दीवाल के सारे पूरा भार अपना नजदीक दे दे और श्वास छोड़ते हुए ट्विस्टिंग को गहराई देते जाए और बने रहे आसन में। यह आसन की पूर्ण स्थिति है मोडिफिकेशन में। एक्चुअल में आसन नीचे हाथ रख के ऊपर इस तरह से किया जाता है, लेकिन ये ज्यादा आपको इफेक्टिव बना देता है। देखिए आप दीवाल का सहारा रहने से मैं इस आसन में आसानी से देर तक टिक पाऊंगा। धीरे से वापस आएंगे
और फिर शांति से बैठ। क्या इस आसन को डायरेक्ट करना है? बिल्कुल नहीं। आप इस आसन को करें उससे पहले सूर्य नमस्कार कम से कम 2-3 कर लें, और शुरुआती जो भी जैसे अंजनी आसन है, त्रिकोण आसन है, इस तरह की चीजों को करने से आपको कंफर्ट फील होगा। देखें, दूसरी साइड करेंगे तो मैंने क्या किया, इससे समझ विकसित होगी, ऐसा नहीं कि तुरंत भाग जाइए। दोनों साइड देखें, समझें, फिर करके कमेंट कीजिए कि आपने क्या फील किया। ये जरूर बताइएगा मुझे अभ्यास में कि आपने करके, तत्काल भी कर सकते हैं, लेकिन ख्याल रहे भोजन तुरंत नहीं किया हुआ हो। सुबह का टाइम सबसे अच्छा है, भोजन के कम से कम 3-4 घंटे बाद आप कर सकते हैं इसको। अब देखिए डिस्टेंस, मैं दीवार के साथ पहले ही चिपक गया हूं। आपको ख्याल क्या रखना है कि ये एरिया दीवार का, ये एरिया हमारा दीवार से चिपका रहना चाहिए, 90 डिग्री जरूर होना चाहिए, पांव के बीच की दूरी पर्याप्त, श्वास भरते हुए उठे, श्वास छोड़ते हुए किसी को, हाँ अगला सवाल, किसी को इस तरह से नहीं रखा जाता है तो मॉडिफिकेशन ऐसे रख सकते हैं। ये देखिए ये पोजीशन, अब इसी पोजीशन में श्वास लेके उठ जाएगी, श्वास छोड़ दीजिए, ये देखिए काम हो जाएगा, नहीं हाथ उठाना, यही रखिए, नमस्कार नहीं हो पाता जिनसे उनके लिए काम हो जाएगा, दीवार का सहारा है, नमस्कार हो सकता है तो अच्छी बात है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से मेरा पेट आंत पूरी तरह से ट्विस्ट हो रहा है, तो जमा कचरा जो कॉन्स्टिपेशन है उसका रामबाण साबित होगा, क्योंकि अगर पेट आंत मजबूत हो गया तो मल को धक्का दे करके सुबह सुबह बाहर करेगा यह आसन, और अगर मल फंसा हुआ भी है आप उसके बाद भी अभ्यास करें तो गारंटी है पेट की सफाई की। तो इन आसनों का ख्याल रखें, अगर आप लगातार अभ्यास के बाद अपनी स्थिति बेहतर कर लेते तो बिना दीवार के सहारे भी इस आसन को आप कर सकते हैं। मैं दीवार का सहारा हटा दिया, देखिए अब मैंने 90 डिग्री पे रखा, श्वास लिया, श्वास छोड़ दिया, ट्विस्ट किया और यहां पर नमस्कार किया। पहली स्थिति यही है, अगर ये हो जाए तभी घुटना उठाना, वो एक अलग चैलेंज, श्वास लीजिए, लीवर किडनी के रोग में इफेक्टिव है, और करेंगे तो होगा नहीं, पहले तो योग यही कहता है हम दुख मनागतम, कि आने वाले दुख को काट डालो, और काटेगा कौन, यही योगासन। अब यहां पे ट्विस्ट करके आ गए और आसन की स्थिति में नॉर्मल श्वास लेते छोड़ते रहेंगे, पांव ढीला रहेगा तो चैलेंज बढ़ जाएगा, इसलिए पीछे के पांव को आपको क्या करना है, इंगेज रखना है टाइट एकदम, और नॉर्मल श्वास, श्वास लेने छोड़ने की जितना करे, जैसा शरीर लेता है छोड़ता है लेने, आप ट्विस्टिंग को बढ़ाए, दोनों साइड करना अनिवार्य है। इस आसन के बाद काउंटर पोस्चर जरूर करें, काउंटर पोस्चर के तौर पे आप क्या करेंगे, अधोमुख श्वासन, क्यों, क्योंकि अगर मसल पे कहीं प्रेशर आ गया हो तो अधोमुख उसको रिलीफ कर देगा। देखिए सुबह सुबह आलस रहता है तो इसको जरूर करें, आलस भाग जाएगा, मादकता खत्म हो जाएगी, सुबह की जो रतिदम डलनेस वो समाप्त हो जाएगा, तरोताजगी आएगी, स्पाइन यंग होगा, ऊर्जा झंकृत हो जाएगी, इसीलिए इसको सबसे बेहतर टाइम है सुबह करना, क्योंकि उस समय आपका पेट साफ रहता है, खाना नहीं खाए रहते हैं, सुबह आलस रहता है तो वो जागरण देगा। शाम के समय कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बस गैप रखिएगा 3-4 घंटे का दोपहर के भोजन के बाद, तो इसको कीजिए और आप कई सारे स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त कीजिए। कोई सवाल रह गया हो फिर भी तो आप जरूर पूछें, और करके जरूर मुझे कमेंट कीजिए कि कैसा लगा आपको। और एक बात जाते जाते जरूर कह दूं कि आसन चूंकि नाभि को एक्टिवेट करता है, क्योंकि ट्विस्टिंग का एरिया नाभि है, तो 72,000 नाड़ी का जो प्राण भंडार है नाभि मणिपुर चक्र, उसको आंदोलित कर सारे 72,000 नाड़ियों में प्राण के संचार को सुनिश्चित करता है, इसलिए काफी इफेक्टिव आसन है सारे ट्विस्टिंग, खासतौर पर जो खड़े होकर करते हैं, उसके बाद बैठ के लेट के ट्विस्टिंग जो करते हैं वो उतना इंपैक्टफुल नहीं है। और जैसे आप करेंगे आप फील होगा कि आपके बंद नासिका खुलने लगेगी, क्योंकि नाभि का प्राण से कनेक्शन है और
दोनों नासिका को वो संतुलित करने लगता है। तो जैसे आप करेंगे, मुझे भी फील हो रहा है, नासिका एकदम खुल जाती है पूरी तरह से, आपको भी बंद नाक तुरंत खुल देगा। तो नित अभ्यास कीजिए और योग गुरु धीरज चैनल पर लगातार सनातन सही वास्तविक योग को अपनाइए, लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद, नमस्कार।